मॉसक वगैरह को स्टडी करेंगे, कैसे यूज़ होते हैं, इनको कैसे फिट करते हैं। ये आयरन की बेस कहलाती है आयरन स्टैंड में, और ये रॉड कहलाता है। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे होल है साइड में, सेंटर में बहुत कम होता है, कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए बनते हैं वो। और इसको टाइट करने के लिए ये एक नेल है इसके अंदर स्ट्रिप, इससे हम इसको टाइट कर देते हैं, फुल टाइट कर देते हैं जब यूज़ करना है। ये जनरली 30 सेंटीमीटर, 24 इंच, 12 इंच, 36 इंच, कई साइज आते हैं इसमें। ये यूनिवर्सल क्लैंप कहलाता है, ये सारे क्लैंप्स हैं। ये पत्ती वाला स्ट्रिप वाला कहलाता है, ये डाई कास्ट क्लैंप है, ये यूनिवर्सल क्लैंप बट स्ट्रिप के लिए है। ये फोर फिंगर क्लैंप कहलाता है, इसमें चार हैं, और ये टू फिंगर क्लैंप भी कहते हैं इसे, इसे थ्री फिंगर क्लैंप भी कहते हैं, कंडेंसर क्लैंप भी कहते हैं। ये बॉस हेड है, दो किस्म के बॉस हेड हैं हमारे पास इस समय, ये यूनिवर्सल बॉस हेड है, ये स्ट्रिप टाइप बॉस हेड कहलाता है। यूज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको एक और ब्यूरट क्लैंप दिखा, ब्यूरट स्ट्रिप दिखाता हूँ। ये ब्यूरट क्लैंप है, इसके अंदर ये ब्यूरट के अंदर बॉस हेड फिटेड होता है। हम इसको यहाँ से ऐसे हम इसमें डाल के फिट कर दे, टाइट कर देते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से ब्यूरट को होल्ड कर लेते हैं यहाँ बिकर के साथ। ये जब आप यूज़ करेंगे तो ये कम हिलता है। अदरवाइज लोग कई बार यूनिवर्सल क्लैंप भी यूज़ करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये कंडेंस, ये सेपरेटिंग फनल के लिए और फ्लास्क के लिए आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, यहाँ पे आना चाहिए पूरा, ये 2 इंची वाला है। आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। ये अब हम यहाँ से स्लाइड करेंगे, यहाँ से हम इसके बीच में ले जाके ये टाइट कर देते हैं। मैंने इसको ये कर दिया टाइट, और मैं ऊपर वाला ये वाला क्लैंप भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिक वाला भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर ब्यूरट भी लोग कई बार लगा लेते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये लूज़ रहता है इसमें ब्यूरट लगाने के बाद। सबसे पहले इसको हम ये फिट करेंगे, ये ओपन करते हैं इसको, और यहाँ से जाने की बजाय यहाँ से ईजीली जाएगा। ये देखिए ईजिली चला गया। अब उसके बाद यहाँ से हम इसको टाइट कर लेते हैं। अब ये जनरली ऊपर की तरफ यूज़ करना चाहिए। यहाँ से हमने इसको ले जाके नीचे टाइट किया, और ये स्टेबल पोजीशन में। इसको अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो एक एंगल टेढ़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हम इसको देखते हैं स्ट्रेट हो गया, तो यहाँ से इसके एडजस्ट हम करके ये टाइट कर दिया। अब उसके बाद हमने कंडेंसर अगर हमने फिट करना है यहाँ से, और ये कंडेंसर का है, ये कंडेंसर क्लैंप हमने इसके अंदर फिट कर रखा है। ये आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा यूज़ कर देता हूँ। ये बॉस हेड अलग से आता है, कंडेंसर क्लैंप अलग से आता है। ये यहाँ से इसमें यूज़ करने के लिए है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ सबसे पहले, और ये फिट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको आप रिवर्स में भी फिट कर सकते हो, स्ट्रेट भी फिट कर सकते हो। उसके बाद जो है ये कंडेंसर को फिट किया जाता है। ये यहाँ से सामने से डाल के ये, और थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाते हैं। ये पहले सब लूज रखने चाहिए, ये भी और ये सब, और जब ये फिट हो जाए यहाँ ज़रूरत के हिसाब से ये फिटिंग पूरी प्रॉपर बैठ जाए। जैसे इस समय भी और इसको नीचे ले जाने की ज़रूरत है, ये लूज है इसके अंदर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा टाइट करके ये मैंने लूज करके क्रॉस करा दिया। ये अब यहाँ पे स्टेबल हो गया, और अब इसको मैंने यहाँ से टाइट किया, और सेकंड में इसको ये टाइट हो गया, और इसी को होल्ड करते हुए ये टाइट कर लिया। अभी पूरा सेटअप टाइट हो गया, ये भी सेटिंग बैठ गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कंडेंसर क्लैंप भी कहते हैं, इसे थ्री फिंगर भी क्लैंप कहते हैं। हमारे पास 2-3 किस्म के अवेलेबल हैं, इसमें ग्लास वाले भी होते हैं, स्क्रू वाले भी हैं, विद प्लास्टिक फ्लाई व्हील विद मेटल, और बॉस हेड। ये आपके पास एक ये बॉस हेड आता है, और एक ये बॉस हेड, दोनों बॉस हेड कहलाते हैं, थ्री फिंगर क्लैंप और बॉस हेड सेट। और इसी तरह से फनल स्टैंड, और ये आपको सारी चीज़ें इसमें विजिबल हैं। और हम आपको छोटी बेस भी आती है, बड़ी भी आती है, इससे और बड़ी आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, एब्रॉन 01 के ऊपर आप हमें ईमेल भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।